अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ायदा ही फ़ायदा यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज जिस हम टॉपिक पर बात करेंगे वो है शकरकंदी। इस वीडियो में मैं आपको शकरकंदी के कुछ फ़ायदे बताऊँगा। शकरकंदी अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए ज़मीन पर उतारी जाने वाली नेमतों में है। जहाँ बेशुमार नेमतें हैं वहीं शकरकंदी भी अपनी मिसाल आप है। इसमें इंसानी सेहत के लिए ऐसे खजाने छुपे हुए हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाए। सर्दी में शकरकंदी के कुछ फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। शकरकंदी जिस्म में हरारत पैदा करती है जिससे सर्दी कम लगती है और अक्सर बहुत ज़्यादा सर्दी में जद बजाना भी कम हो जाती है। सर्दियों में शकरकंदी खाने से जिस्म फरबा और ख़ूबसूरत दिखाई देता है। नज़ले और ज़ुकाम ख़ास तौर पर मौसम सरमा में शकरकंदी इनसे दुश्मन की तरह लड़ती है। शकरकंदी में पाए जाने वाले कुछ अज़ा ऐसे भी हैं जो जल्द के लिए मुफीद हैं। यही वजह है कि मौसम सरमा में खुश्क हवाएँ जिल्द को बेरौनक बना देती हैं और ऐसे में शकरकंदी का इस्तेमाल जिल्द को नरम मुलायम रखता है, इसमें चमक पैदा करता है। शकरकंदी निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाती है और खून बनाती है जिससे चेहरे पर सुर्खी जाहिर होती है। राख में दबाकर या उबाल कर खाने से सर्दियों के मौसम में शकरकंदी हैरतअंगेज़ फ़ायदे पहुँचाती है। जिस्म को मतवादन भी रखती है। मौसम सरमा में भूख ज़्यादा लगती है और बार बार खाना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में ग़िज़ाइयत से भरपूर शकरकंदी जिस्म को तकवियत पहुंचाती है और भूख का एहसास कुछ वक्त के लिए मिटा देती है। शकरकंदी का हलवा मौसम सरमा में कपकपी को दूर करता है। शकरकंदी के दीगर फवायद, शकरकंदी जिस्म को मोटा करती है और अंदर से मजबूत बनाती है। मर्दों के लिए नहायत मुफीद और ताकतवर शुमार की जाती है। शकरकंदी दिमाग को तकवियत पहुँचाती है और ज़हनी सलाहियत को बढ़ाती है। शकरकंदी की खीर भी ताकत का खजाना है, ख़ास तौर पर क़ुव्वत बाह में इजाफे का सबब है। बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन अगर शकरकंदी का इस्तेमाल करें तो ताकत बहाल हो जाती है। शकरकंदी जिस्म में खून की कमी को ख़त्म करती है और जिस्म को लागज़ होने से बचाती है। शकरकंदी में ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कैंसर में जानलेवा बीमारी से लड़ने की ताकत भी रखते हैं। इसके इस्तेमाल से बिनाई में भी इजाफा होता है। शकरकंदी जिस्म की मतफाती निज़ाम को महफूज बनाती है। शकरकंदी का इस्तेमाल मैदे के वर्म को कम करता है और जिस्म को सोजन से बचाता है। शकरकंदी खाने में एहतियाती तदाबीर कुछ मैं आपको अर्ज़ करूँगा। शकरकंदी को हमेशा छील कर खाएँ, छिलके समेत खाने से इससे फ़ायदे हासिल नहीं होते। ये देर से ख़त्म होती है, इसलिए इसे नमक या काली मिर्च के साथ खाएँ। शुगर के मरीज़ शकरकंदी खाने से एहतियात से काम लें। अमराज कल्ब में मुबतला अफराद को भी शकरकंदी खाने से बहुत एहतियात की ज़रूरत है। शकरकंदी खाने के बाद अगर सौंफ का इस्तेमाल किया जाए तो इसके मनफी और मुसर असरात से बचा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।